नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ अनुराधा सिंह। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले चारों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। इस दौरान उनका कहना है कि उन्हें बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं व मणिपुर की समस्याओं पर सरकार का ध्यान दिलवाना था, इसलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि एजेंसियां पूरी तरह इस बात पर यकीन नहीं कर रही हैं कि उनका मोटिवेशन क्या है। इसके लिए आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच विस्तार से की जाएगी। चारों आरोपियों का मोबाइल फोन ललित के पास है, जो अभी तक फरार है। जांच एजेंसी को शक है कि मोबाइल से सबूत मिटाने के लिए ही वो सबका मोबाइल फोन लेकर भागा है। एक अधिकारी ने बताया कि अमोल ने पुलिस को बताया है कि उसने महाराष्ट्र के कल्याण से करीब 1200 रुपए में 5 रंगीन धुआं फेंकने वाले कनस्तर खरीदे थे। कहा है कि सभी आरोपियों की विचारधारा एक जैसी थी, इसलिए उन्होंने सरकार को एक जैसी बातें कही। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या उन्हें किसी व्यक्ति या किसी संगठन ने भेजा था। दिल्ली पुलिस संसद में स्प्रे कांड के मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है, इसके लिए छापेमारी की जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि कोलकाता का रहने वाला ललित झा पेशे से टीचर है और इस पूरी घटना को वो मुख्य साजिश करता है। पुलिस ने कहा कि भगत सिंह से प्रभावित होकर ललित और अन्य लोगों ने ये सब किया ताकि देश का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो सके। अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को अब तक किसी आतंक समूह से उनका संबंध नहीं मिला है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक दूसरे के संपर्क में आए थे ये लोग, जिसके बाद सभी 6 लोग फेसबुक पर भगत सिंह फैन पेज से जुड़े। ललित, सागर शर्मा और मनोरंजन 1 साल पहले मैसूर में मिले थे, जहां उन्होंने संसद में घुसने की योजना बनाई थी। बाद में उन्होंने नीलम और अमोल को भी शामिल कर लिया। टीचर ललित ने इस पूरे मामले को लीड किया। उसने मनोरंजन को मानसून सत्र के दौरान संसद के सभी एंट्री पॉइंट की रेकी करने को कहा था। जांच में जुड़े अधिकारी ने बताया कि जुलाई में मनोरंजन दिल्ली पुलिस और एक सांसद के नाम पर जारी विजिटर पास पर संसद में एंट्री की। वहां उसे पता चला कि जूतों की तलाश नहीं होती है। इसके बाद बुधवार को ललित 4 अन्य लोगों के साथ संसद पहुंचा। यहां उसे केवल 2 के लिए पास मिले। सागर और मनोरंजन संसद के अंदर चले गए, जबकि नीलम और अमोल बाहर गेट पर रुके। उनके पास भी कनस्तर थे, जिससे पीला और लाल धुआं निकल रहा था। वहीं सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल के मोबाइल फोन ललित ने अपने पास रख लिए थे। संसद के अंदर और बाहर जिस रंगीन धुआं छोड़ने वाले कनस्तरों का उपयोग किया गया, उन्हें अमोल ने महाराष्ट्र के कल्याण से खरीदा था। ललित ने घटना के बाद का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया और नीलम व अमोल को संसद के बाहर से हिरासत में लिए जाने के बाद इसे ग्रुप के एक सदस्य विशाल शर्मा उर्फ विक्की के साथ भी शेयर किया। ललित की आखिरी लोकेशन राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर नीमराणा में मिली थी। पुलिस ने इससे पहले कहा था कि इस सभी 5-10 दिसंबर को एकत्र हुए हैं और गुरुग्राम में विशाल शर्मा के आवास पर रुके थे। फिलहाल नीलम, मनोरंजन, अमोल और विशाल हिरासत में हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की है। बता दें कि लोकसभा में बुधवार को दर्शक दीर्घा से उछाल मार लगाने वाले में से एक सागर शर्मा लखनऊ के मानक नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रामनगर इलाके का रहने वाला है। शर्मा के परिवार के सदस्यों ने पुष्टि की कि वह कुछ दिन पहले दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए घर से निकला था, लेकिन वे संसद में हुई घटना में उसकी संलिप्तता के इरादे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सागर की नाबालिग बहन पायल शर्मा ने कहा, मैंने अपने भाई को अपनी माँ से यह कहते सुना था कि कुछ दिन पहले एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहा है। पायल ने कहा, मेरा भाई ई रिक्शा चलाता था, वह पहले बेंगलुरु में काम करता था। बता दें कि परिवार के सदस्यों ने लोकसभा घटना में उसकी संलिप्तता के बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार किया है। हम इस समय परिवार के सदस्यों से प्रारंभिक जानकारी जुटाने के लिए कर रहे हैं।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के अनुसार जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। स्थानीय पुलिस टीमों को सागर के आवास पर उसके परिवार के सदस्यों से बात करते देखा गया। घटना में सागर की संलिप्तता के बारे में सुनकर बुधवार शाम उसके पड़ोसियों और पत्रकारों का उसके घर पर जमावड़ा लग गया। अधिकारियों ने बताया कि कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए घर के पास स्थानीय पुलिस इकाई तैनात की गई है। जांच के दौरान एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये है कि संसद की सुरक्षा से जुड़ी टीम के 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं घटना के बाद से संसद भवन की सुरक्षा बढ़ाते हुए आगंतुकों के जूतों की भी अब जांच की जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस तमाम आरोपियों को मेडिकल के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि राज्यसभा में अपमानजनक व्यवहार के लिए टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को शीतकालीन सत्र के बचे हुए भाग के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया है। राज्यसभा के सभापति के अनुसार डेरेक ओब्रायन ने सदन के वेल में प्रवेश किया, नारे लगाए और सदन की कार्यवाही बाधित की, इसलिए उन्हें सत्र के बचे हुए दिनों के लिए निलंबित किया गया। वहीं संसद में हंगामे के बाद अब तक 15 सांसद सस्पेंड हुए हैं। साथ ही आपको बताते चले कि संसद में घुसपैठ करने वाले आरोपियों से जो पास बरामद हुआ उसमें बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का नाम लिखा हुआ है। यही वजह है कि अब बीजेपी सांसद हर किसी के निशाने पर है। हालांकि अभी तक प्रताप सिम्हा की तरफ से इस घटना पर कोई बयान सामने नहीं आया है। अब इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर। नमस्कार।